बच्चों अभी हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 7 में कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। आज है हमारा लेक्चर 106 और हम कर रहे हैं आगे पेज 154 एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट थ्री डिफरेंट नंबर्स। मतलब ये नीचे जो फ्रैक्शंस हैं उसमें अलग अलग नंबर्स दिखेंगे। सेपरेट दैम इंटू थ्री ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनके ग्रुप बनाओ बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। थोड़ा सा आपको सुन के ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि हमने नीचे आपको जो फ्रैक्शंस दिए हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उनके ग्रुप बनाओ। सिंपल वो एक ही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। सो अब सिंपल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन 6 इसका ए। सो ए है आपका 2/12, ठीक है। सो इस 2/12 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, करो। सो 2/12 को कैसे कन्वर्ट करोगे, टू किसकी टेबल में आता है, 2 1 जा, 12 किसकी टेबल में आता है, 2 6 जा, ठीक है। सो 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1/6, ठीक है। इसी तरह से बी वाला सॉल्व करेंगे, बी है 3/15। सो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 3 किसकी टेबल में आता है, 3 1 जा, 15 किसकी टेबल में आता है, 3 5 जा, ठीक है। सो 3 के साथ 3 कैंसिल, सो आंसर क्या आया, 1/5। सी 8/50, ठीक है। सो 8/50, सो देखो यहाँ पे 8 कब आएगा, 2 4 जा, 50 कब आएगा, 2 25 जा, ठीक है। सो 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 1 जा, 2 1 जा, सो क्या बचा, 4/25, ठीक है। फिर डी 16/100, ठीक है। सो 16 किसके टेबल में आता है, 16 आता है 4 4 जा, और 100 किसकी टेबल में आता है, 25 4 जा। आपको पता है मैं जानबूझ के ऐसी सेटिंग कर रही हूँ कि मेरा ऊपर नीचे कट हो। अब आप कहोगे कि हमारा थोड़ा नहीं इतना दिमाग चलेगा। सो आपको यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मुझे कट शॉर्ट करना है, ऊपर नीचे काटना है सब। सो 16 4 4 जा 16, और 100 कब आता है, 25 4 जा 4 5, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ देखो, जैसे 50 तो 50 2 25 जाता है, 8 2 4 जा, तो 2 2 कैंसिल, ठीक है। ऐसे सेटिंग करनी है आपको, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो यहाँ देखो, 4 के साथ 4 कैंसिल, 4 1 जा, 4 1 जा, तो क्या बचा, 4/25, ठीक है। अब ई देखो, 10/60, ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 0 के साथ 0 कटा, पीछे 0 है, 1 0 पीछे, सो 0 के साथ 0 कटा, तो 1/6, ठीक है। एफ देखो, 15/75, ठीक है, 15/75। सो कैसे लिखेंगे 15/75, सो 15 की टेबल, सो 15 1 जा 15, और 75 15 5 जा, ठीक है। सो 15 1 जा 15 1 जा, ठीक है। सो 1/5, ठीक है। फिर जी है 12/60, सो जी 12/60, ठीक है। सो 12/60, 12 1 जा, और 60 है 12 5 जा, ठीक है। सो 12 के साथ 12 कैंसिल, 12 1 जा, 12 1 जा, सो क्या बचा, 1/5, ठीक है। अच्छा अब एच, सिक्सटीन अपॉन 96, ठीक है। सो कैसे, 16 16 1 जा 16 होता है,
और 96 16 6 जा होता है। आपको टेबल्स आती होंगी ना तो ये चीज़ें आप आराम से कर लोगे, टेबल्स नहीं आती होंगी तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक है, सो 16 और 16 कैंसिल, 16 वन जा 16 वन जा, तो क्या बचा 1/6, सो इज इक्वल टू 1/6। फिर आई 12/75, 12/75, ठीक है। सो 12 कब आता है, 4 3 जा 12, और 75 कब आता है, 25 3 जा 75। सो यहाँ देखो 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ, सो 4/25, ठीक है। फिर जे देखो 12/72, 12/72, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सो यहाँ देखो 12 कब आता है, 12 आता है 4 3 जा, ठीक है, 4 3 जा, और 72 कब आता है, 72 आता है 72 हम देखते हैं कब आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 72 कब आता है, 8 9 जा, ठीक है, 8 या 9 8 जा, जैसे भी लिखो 8 9 जा। अब देखो कुछ कट ही नहीं रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं करती ना तो मैं यहाँ 6 2 जा 12 और यहाँ पे 6 की टेबल 16 ऐसा कुछ लगा के मैं आंसर ला देती, पर मैंने, आप जैसा सिंपल सोच सकते हो मैंने सिंपल लिखा है। ये मैं आपको एक और तरीका सिखा रही हूँ ये सम्स करने का। एक तो आप अपनी दिमाग लगाओ कि ऊपर नीचे क्या कटेगा, और दूसरा आप कोई मन में जो आए वो लिख दो। तो देखो 12 4 3 जा 12 मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया। 72 मेरे मन में 8 9 जा 72 आया, मैंने लिख दिया। अब देखो कुछ कट ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो देखो नीचे ऊपर कटेगा। देखो 4 और 8 4 और 8 कट रहा है, 4 और 8 कैसे कटेगा, सो देखो 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 कटा ना। सेम वैसे ही 3 और 9 काटना है, सो 3 1 जा 3 होता है, 3 3 जा 9, ठीक है। सो आप ऐसे भी काट सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब आपके मन में सपोज आपको ऐसे दिमाग नहीं आ रहा है कि भाई जैसे 16 1 जा 16 16, ऐसे नहीं, तो आपके मन में जो आए आप लिखो, ठीक है। जैसे 12 मेरे मन में 4 3 जाया, 72 8 9 जाया, तो कैसे काटा ऊपर नीचे, 4 1 जा 4 4 2, मतलब सेम टेबल से कटवाना है। ऊपर 4 की लगाई तो नीचे भी 4 की, ऊपर 3 की लगाई तो नीचे भी 3 की। तो अब क्या रहा, देखो देखो ये 1 है ये 1 है, तो 1 1 जा 1/2 3 जा, ये देखो 2 मल्टीप्लाई है ना बीच में, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 2 3 जा 6, ठीक है, सो 1/6, ठीक है। अच्छा फिर के देखो 3/18, के 3/18, ठीक है। सो 3 देखो 3 1 जा 3 और 18 3 6 जा, ठीक है। तो क्या होगा, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 1 जा, तो क्या बचेगा, 1 1 जा 1 1 6 जा 6, ठीक है। के इसके बाद एल देखो 4/25, ठीक है। सो ये देखो कुछ कट ही नहीं रहा है, 4 और 25 में कुछ नहीं कट रहा है। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, सिर्फ 3 नंबर्स हैं, सेपरेट देम इंटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में बनाओ, 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम बाय चेंजिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, अब फ्रैक्शंस बनाओ। सो देखो ये 1/6 है, 1/6 में, सो 1/6, सो 1/6 क्या क्या होगा, देखो ए में है और क्या है 1/6, ये देखो ई में है ना 1/6 ई, और ये रहा के में, ठीक है। तो ये बन गया ना। इसके बाद 1/5, तो 1/5 कहाँ कहाँ है,
इसने क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि तीन ग्रुप्स बनाओ, थ्री डिफरेंट नंबर्स के ग्रुप्स बनाओ, तीन ग्रुप्स बनाओ तीन डिफरेंट नंबर्स के, ठीक है। अब वन अपॉन पाई कहाँ कहाँ आएगा, तो देखो ये बी में है, ये एफ में है और ये जी में है, बी एफ जी, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा, 4/25 रहा, ठीक है। सो 4/25 सी में है, डी में है और आई में है, ठीक है, सी डी आई। तो कितने हुए टोटल देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी भी एक है, क्या रहा देखो, 1/6 लिखा, 1/5, 4/25, तो और क्या रहा, तो देखो यहाँ पे 1/6 कहाँ कहाँ आया, देखो ए में आया, फिर ई में आया, फिर देखो एच में भी आया, तो यहाँ एच लिखना रह गया है, तो एच में भी आया और के में आया, ठीक है। 1/5 कहाँ कहाँ आया, बी में आया, एफ में आया, जी में आया। 4/25 कहाँ आया, सी में आया, डी में आया, आई में आया और एल में आया, सी डी आई एल, ठीक है। सो इस तरह से ये है 4/25। तो देखो हमने सबके, देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, तीन ग्रुप्स बनाओ, तीन ग्रुप्स बनाए और तीनों अलग अलग नंबर, तो 1/6, 1/5, 4/25, ठीक है। तो हमने ऐसे ग्रुप बनाए, ठीक है। इसमें क्या किया, पहले सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जितना छोटा हो सके उस नंबर को छोटा बनाओ, तो 2/12 को 1/6, 3/15 को 1/5, ठीक है। ऐसे हमने जितना छोटा हो सके वैसा किया, और फिर हमने क्या किया, हमने फिर इसको फिर बस ऐसे ग्रुप बना के लिख दिया, क्वेश्चन में यही मांगा था हमसे। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं, क्वेश्चन 7 एक बहुत सिंपल सम है, मैंने आपको होमवर्क में भी ऐसे ही सम्स दिए थे। क्वेश्चन 7, फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग, ठीक है। इनके आंसर्स फाइंड करो, ए इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 इक्वल है 4/5 के, तो कैसे करोगे आंसर, 5/9, 5/9, 4/5, क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर, सो 5 5 जा और 4 9 जा, सो 5 5 जा 25, 4 9 जा 36, ठीक है। सो कौन बड़ा हुआ, ये, तो ये तो बड़ा ग्रेटर हो गया, तो इसने तो इक्वल पूछा है, इक्वल पूछा है ना, सो 5/9 इज नॉट इक्वल, इक्वल कब होता है, जब दोनों साइड सेम आंसर आता है, इज नॉट इक्वल टू 4/5, ठीक है। अच्छा बी देखो, इज 9/16 इक्वल टू 5/9, ठीक है, 9/16 इक्वल टू 5/9, सो आंसर 9/16 5/9, ठीक है। क्या करेंगे फिर से, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, ठीक है, सो 9 9 जा और 5 16 जा, सो 9 9 जा 81, 16 5 जा 80, या 5 16 जा 80 होता है, आपको करके देखना है तो करके देखो, 16 5 जा 80, तो कौन बड़ा हुआ, ये, तो ये, तो ये भी नॉट इक्वल हुआ ना, ग्रेटर और लेस देना है, तो कहाँ से इक्वल हुआ, नॉट इक्वल ना, वो पूछ रहा है इक्वल है, सो 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9, ठीक है। अच्छा आप सी देखो, इज 4/5 इक्वल टू 16/20, ठीक है, 4/5 इक्वल टू 16/20, सो आंसर 4/5 16/20,
तो क्या करोगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। सो 420 जा और 516 जा, ठीक है। सो 420 जा 80, 516 जा 80। देखो दोनों में 80 80 आंसर आया, तो इक्वल हुआ ना, क्या हुआ, इक्वल। तो क्या लिखोगे, 4/5 इज इक्वल टू, ये इक्वल है। यहाँ देखो नो लिखोगे, यहाँ नो, यहाँ क्या लिखोगे, यस 4/5 इज इक्वल टू 16/20, ठीक है। अच्छा बी देखो, इज 1/15 इक्वल टू 4/30, 1/15 इक्वल टू 4/30। सो फिर से आंसर 1/15 4/30, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। सो 130 जा और 415 जा, सो 130 जा 30, 15 4 जा 60। तो कौन, ये देखो ये बड़ा हुआ, तो क्या हुआ, नॉट इक्वल। ये भी नॉट इक्वल हो ना, ग्रेटर या लेस देन की साइन हुई तो नॉट इक्वल। सो 1/15 नो, ठीक है, नो नो 1/15 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होने के लिए यहाँ इक्वल की साइन आनी चाहिए, जैसे यहाँ आई ना, दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल होने के लिए इक्वल की साइन आनी चाहिए। अगर इक्वल की साइन नहीं आ रही है मतलब वो नॉट इक्वल है, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अभी क्वेश्चन 8 है ना, क्वेश्चन 8 एट एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ईला, ILA, ईला। ईला रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईला क्या कर रही है, ईला एक 25 पन्नों की किताब पढ़ रही है, ठीक है। मतलब ईला ने एक 100 पेजेस की बुक ली और उसमें से उसने कितने पेजेस पढ़े, 25 पेजेस। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और ललिता ने उसी किताब का 2/5 पढ़ा। हु रीड लेस, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, पर पहले मैं आपको बता दूं, इसमें देखो ईला है और ललिता है, ठीक है। सो ईला है, ईला कितने पेजेस पढ़ रही है, 25 पेजेस, कितने में से पढ़ रही है, 100, ठीक है। तो इसका हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे, सो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 25/100। क्यों, क्योंकि देखो ललिता का फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5, भाई ललिता 2/5 बुक पढ़ रही है, फ्रैक्शन इतना पढ़ रही है, और ये इन्होंने ऐसे दिया है ईला का 25 पेजेस 100 पेजेस, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में, ठीक है। सो टोटल पेजेस कितने हैं, 100, और 100 में से कितने पढ़े हैं, 25, ठीक है। अब इसको कट शॉर्ट करो, सो देखो यहाँ पे 25, तो 25 25 वन जा 25 होता है, और 100 25 4 जा होता है, ठीक है। सो 25 25 कैंसिल, सो क्या बचा, 1/4, 1/4 बचा, ठीक है। सो ललिता 2/5 पढ़ रही है और ईला ने कितना पढ़ा है, ये ललिता, ललिता कितना पढ़ रही है, 2/5, और ईला ने 1/4 पढ़ा, ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, हु रीड लेस, कम किसने पढ़ा, तो देखो ये ईला है 1/4 और ये ललिता है 2/5, तो कैसे चेक करोगे हु रीड लेस, लेस। सो देखो ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है। सो 1/5 जा और 4 इधर, तो 2/4 जा, ठीक है। सो फिर 1/5 जा 5, 2/4 जा 8, तो साइन कहाँ आएगी, इस साइड, ठीक है। तो ये किसका है, 2/5 किसका है, ललिता, और 1/4 किसका है, ईला। तो देखो डायनासोर का बड़ा मुंह किसके साइड है, ललिता, मतलब वो ग्रेटर हुआ, और डायनासोर की चोंच किसके साइड है, वो है ईला, तो वो कौन, ईला लेस हुआ ना, वो रीड लेस पूछ रही है ना, तो क्या लिखोगे, आंसर ईला रीड लेस, ठीक है, कि ईला ने कम पढ़ा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ईला 25/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 1/4,
बस अब इसको सॉल्व करो, 1/4, 2/5, इसको इधर, फिर जो बड़ा उसकी साइड बड़े की साइन, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, वाइल रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। किसने ज़्यादा देर एक्सरसाइज की? सो आंसर देखो, यहाँ पे रफीक ने कितना किया, 3/6। रफीक ने कितनी एक्सरसाइज की? रफीक ने 3/6। और रोनित दूसरा कौन है? रोहित। रफीक ने कितनी एक्सरसाइज की? 3/6। रोहित ने कितनी एक्सरसाइज की? 3/4, ठीक है। अब क्या करोगे, उसको इधर ले जाओ और इसको इधर, ठीक है। सो 4 इधर और 6 इधर, सो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो कह रहा है हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसने लंबे समय तक एक्सरसाइज की, किसने की? तो ये देखो 18, ये इधर और ये इधर। तो देखो डायनासोर का मुंह किसकी साइड है? देखो इस साइड है, तो रोहित ने की। किसने लंबे समय तक एक्सरसाइज की? रोहित। तो क्या लिखोगे? सो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। रोहित ने लंबे समय तक एक्सरसाइज की, ठीक है। डायनासोर का मुंह इस साइड आया, सो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सम था, इसमें सिंपल 3/6 और 3/4 को, ये जो मैंने आपको ये सिखाया था, ऐसा मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, सब में ऐसे ग्रेटर लेस ग्रेटर देसी कल भी होमवर्क दिया था, आज भी ये सम्स आ रहे हैं। देखो ये 8 में थोड़ा सा क्या था, इसमें देखो 25 पेजेस 100 था, तो 25/100 यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ा। क्वेश्चन 9 तो आपको रेडीमेड दिया हुआ है, देखो 3/6 3/4 बस सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 9 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 10, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 ढंग से देख लो आप। बच्चों अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास है, क्लास ए है 25 स्टूडेंट्स की, उसमें से 20 बच्चे 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं, और दूसरी क्लास बी है 30 स्टूडेंट्स की, उसमें से 24 बच्चे 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं। इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। अब देखो ये देखो क्लास ए है, क्लास ए है, क्लास ए में टोटल बच्चे कितने हैं? 25, और उसमें से पास कितने हुए हैं? 20। और क्लास बी में क्या है? क्लास बी में टोटल बच्चे कितने हैं? ये क्लास बी, क्लास बी में टोटल बच्चे कितने हैं? 30, और उसमें से 60% या उससे ज़्यादा से पास कितने हुए हैं? 24। अब बोल रहा है क्लास ए की क्लास बी किस में ग्रेटर, मतलब किस में ज़्यादा बच्चे पास हुए, ठीक है। सो कैसे करेंगे? तो देखो क्लास ए, आंसर क्लास ए क्लास बी, ठीक है। सो क्लास ए देखो टोटल कितना है, टोटल देखो 25 है, 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, सो अपॉन में 25, कितने में से उस कितने 20 पास हुए, तो 20 ऊपर, हमेशा टोटल नीचे आता है और छोटा नंबर ऊपर। वैसे ही क्लास बी है, क्लास बी में टोटल बच्चे कितने हैं? 30 हैं टोटल बच्चे, तो अपॉन में 30, उसमें से पास कितने हुए हैं? 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, ठीक है। अच्छा अभी
ट्वेंटी की टेबल, 20 और 25 को, सो 20, 20 को कैसे लिख सकते हो, 4 फाइव जा, 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 फाइव जा, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो क्या बचा, 4/5। सेम यहाँ पे सॉल्व करो क्लास बी को, ठीक है। यहाँ पे 24 और 30, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, को 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो 4/5। तो देखो, तो इसका भी देखो 4/5 आया, इसका भी 4/5 आया, तो क्या बोल रहा है, इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स, कह रहा है कौन सी क्लास में ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक है। कौन सी, दोनों देखो इक्वल है, देखो ये भी 4/5, ये भी 4/5, दोनों इक्वल ही है ना। क्या लिखोगे, इन विच क्लास, इन बोथ क्लास, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, 4/5, 4/5, सो इन बोथ क्लास, इन बोथ क्लासेस स्टूडेंट्स गेट, स्टूडेंट्स इन बोथ क्लासेस स्टूडेंट्स स्कोर 60% और मोर मार्क्स, ठीक है, 60% और मोर मार्क्स, ठीक है। तो सिंपल आपको बस ये फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है, इसका फ्रैक्शन निकाला, इसका निकाला, तो दोनों इक्वली आया, इसलिए इन बोथ क्लासेस, दोनों क्लासेस में स्टूडेंट 60% या ज़्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 10। बच्चों अभी हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है जिनका भाई जिनका अपॉन सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि 5/28 प्लस 4/28, मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है, 5/28 प्लस 4/28, तो कैसे ऐड करोगे। देखो इसका अपॉन भी 28 है, इसका अपॉन भी 28 है, ठीक है। दोनों का अपॉन क्या हो जाएगा, सेम 28 सेम हो जाएगा। 5 + 4 क्या होगा, 5 + 4, सो 5 + 4 9/28, ठीक है। सपोज इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि वन अपॉन फोर प्लस 1/4, ठीक है। तो ये भी देखो, ये एक ना, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, 4 सेम है, ठीक है। सो 4 सेम है और ऊपर 1 + 1, ठीक है। नीचे क्या करने का, एक लिख देने का और ऊपर जो वो वैसा का वैसा लिख देने का, ठीक है, साइन भी वैसी की वैसी। तो 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 2, सो 2/4। अच्छा देखो यहाँ कट शॉर्ट हो रहा है, 2 की टेबल में 4 कब आता है, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, इसको कट शॉर्ट करना बोलते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, सो 1/2। अभी देखो एक और देखो क्वेश्चन, जैसे कि 1/9 और 1/9 ऐड करने हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे। सपोज 3 है 1/9, तो कैसे करोगे, तो देखो अपॉन में तो 9 लिख ही देने का, क्यों, क्योंकि सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो अपॉन में सेम लिख ही देने का। अब देखो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, सो कितना होगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3/9, ठीक है। देखो ये भी कट शॉर्ट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3, ठीक है, 9/28, 1/2, 1/3, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एडिशन। अच्छा अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सपोज आपको ऐड करना है 3/5 प्लस 4/5, सॉरी 1/5, सो कैसे करेंगे, 3/5, 1/5, सो 5 एक कर देंगे,
थ्री प्लस वन क्या होगा, फोर अपॉन फाइव, ठीक है। फिर जैसे सपोज करो फिफ्थ सेवन अपॉन ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉन ट्वेल्व, कैसे करोगे, फिर से दोनों को एक कर दो, तो सेवन प्लस थ्री क्या होगा, टेन अपॉन ट्वेल्व। टू की टेबल लगेगी ऊपर नीचे, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो फाइव अपॉन सिक्स, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। अब सपोज माइनस करना हो तो क्या करोगे, सपोज माइनस करना है तो कैसे करोगे माइनस। सो जैसे कि फाइव अपॉन सिक्स माइनस टू अपॉन सिक्स, ठीक है, माइनस करना है, फाइव अपॉन सिक्स माइनस टू अपॉन सिक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, इसका भी सिक्स इसका भी सिक्स, तो एक बार ही सिक्स लिख दो, फाइव माइनस टू, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, देखो यहाँ प्लस था तो प्लस लिखते थे, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा, पर ये माइनस है तो ये माइनस लिखा, ठीक है। सो फाइव माइनस टू क्या है, थ्री अपॉन सिक्स, ठीक है, फाइव माइनस टू थ्री अपॉन सिक्स। सो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो वन अपॉन टू, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन सिक्स, ठीक है। सो ये है आपका सिक्स्थ नंबर। अच्छा, तो इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आपका एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। एक्सरसाइज 7.5 पेज 157, क्वेश्चन वन, राइट द फ्रैक्शन अप्रोप्रिएटली एस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ए वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फिर इसको शेड किया हुआ है, फिर यहाँ डॉट डॉट है, फिर से वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। सो इसमें भी शेड शेड किया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ देखो ये बॉक्स बनाया, सो ये, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कह रहे हैं यहाँ बीच में ऐड आएगा कि सब्ट्रैक्ट। तो देखो इसका वन टू थ्री फोर फाइव, तो अपॉन में फाइव कितना शेडेड है, वन, तो वन अपॉन फाइव। यहाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव कितना है, फाइव, टोटल कितना है, वन टू, शेडेड टू है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो यहाँ कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो अपॉन में फाइव, इसमें शेडेड कितने हैं, वन टू थ्री। तो देखो ऑटोमेटिक, देखो वन और टू प्लस हो के थ्री, तो यहाँ कौन सी साइन आएगी, प्लस की, कह रहा कौन सी साइन आएगी, तो प्लस की साइन आएगी, ठीक है, प्लस की साइन आएगी। अच्छा बी देखो, देखो अब यहाँ पे बी, सो बी में कैसे बनेगा, इस तरह से बना हुआ है,
ठीक है, तो इस तरह से फिगर बनी हुई है। सो ये सारा शेड किया हुआ है, ये बी वाला तो सब शेड किया हुआ है, और ये वाला ये, और ये वाला, और इसमें ये दोनों, ठीक है। सो अब यहाँ पे डॉट 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 है, तो पहले काउंट करो 1 2 3 4 5। सो ऊपर भी 5, नीचे भी 5, ब्लैंक। ये देखो कितने टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं। उसमें से कितने शेडेड हैं, 1 2 3, 3 शेडेड हैं। तो इज इक्वल टू इसमें 1 2 3 4 5, सो अपॉन में 5, सो कितने शेडेड हैं, 1 2, ठीक है। सो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 2 हो गया। तो कैसे हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, ठीक है, सही बात है ना। 5 माइनस 3 क्या होगा, 2, अपॉन में देखो 5 का 5, ठीक है। सो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। अब सी देखो, सी भी कुछ ऐसा ही है। सी डैश, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, देखो ये शेडेड है और ये शेडेड है। इसमें कौन कौन से शेडेड हैं, ये शेडेड है, ये शेडेड है, और ये शेडेड है, और इसमें ये शेडेड है, ये शेडेड है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, पहले काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन में 6, और इसमें शेडेड कितने, 1 2, ठीक है। अब यहाँ डैश, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन में 6, कितने शेडेड हैं, 1 2 3, तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 अपॉन 6 और 3 अपॉन 6, तो बीच में क्या करेंगे, प्लस प्लस होगा ना, देखो 5 कब आएगा, 2 और 3 का क्या होगा, प्लस, ठीक है। सो 2 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 6 क्या होगा, 5 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ बस ऐसे ही था, आपको क्या करना था, ये फिगर से आपको फ्रैक्शन लिखना था और फिर प्लस और माइनस की साइन लगानी थी, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2, बच्चों अभी पेज 58 पे हम क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 सॉल्व, ठीक है। सो उसमें देखो, इसमें इजी इजी हैं सारे, मैंने अभी अभी जो सिखाए हैं सारे वैसे ही हैं। सो यहाँ देखो, इसमें ये जो ए है, 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 18, इसको होमवर्क में रखो। 8 अपॉन 15, इसको बस प्लस प्लस ही करते जाना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे, चलो ये मैं कराती हूँ, इसको होमवर्क में रखो ई, ठीक है, ये मैं कराती हूँ, ठीक है, ये वाले मैं करा लेती हूँ, बाकी होमवर्क है, ठीक है। ये 1 2 3 4 सम्स होमवर्क है, ठीक है। तो मैं बाकी कराती हूँ, मैं डी करा रही हूँ, ठीक है। सो डी वन अपॉन 22 प्लस 21 अपॉन 22, ठीक है। सो देखो इसका भी अपॉन 22, इसका भी अपॉन 22, तो दोनों का अपॉन क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। सो 1 प्लस 21, ऊपर सेम टू सेम, 1 प्लस 21, 1 प्लस 21 कितना होगा, 22, कैसे, 1 प्लस 21, तो क्या होगा, 22। सो 22 अपॉन 22, ठीक है, कट शॉर्ट करो, 22 वन जा, 22 वन जा, तो आंसर क्या आया, 1, ठीक है। अच्छा अब ई देखो,
ई ई नहीं, अभी एफ देखो. सो एफ क्या है, 5/8 + 3/8, ठीक है. सो कैसे करेंगे फिर से, सो 8 8 सेम है, सो 8 सेम, तो 5 + 3, 5 + 3, 5 + 3 क्या होता है, 5 6 7 8, तो 8/8 क्या होगा, कट शॉर्ट, 8 1 जा 8 1 जा, सो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है. अच्छा अब जी देखो, जी वन माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है. सो 1 - 2/3 है, तो वो कैसे करेंगे, अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है. इसमें क्या होता है, जब भी देखो एक के नीचे अपॉन हो और एक के नीचे ना हो, जैसे इसके नीचे है इसके नीचे नहीं है, तो क्या करने का, ये वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर देने का, क्या करने का, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, तो क्या होगा, 1 3 जा -2/3, नीचे सेम टू सेम, 1 3 जा 3 - 2/3, ठीक है. सो 3 - 2 क्या होगा, 1/3, ठीक है. अभी एच देखो, 1/4 + 0/4, ठीक है. तो इसमें भी देखो अपॉन सेम है, 4/ सेम है, तो ये सेम टू सेम लिख दो, तो 1 + 0, 1 + 0 क्या होगा, 1 में प्लस, 0 किसी में भी प्लस करो या किसी से भी माइनस करो, आंसर क्या आता है, सेम टू सेम, ठीक है. सो 1 + 0 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है. 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर क्या आता है, हमेशा सेम आता है, ठीक है. सो 1/4, ठीक है. अच्छा अब लास्ट देख लेते हैं, आई 3 - 12/5. अब देखो इसके नीचे अपॉन है, इसके नीचे नहीं है, तो मैंने देखो यहां सिखाया है ना, अभी अभी क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने ले जाओ. कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 या मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 जा, ठीक है, 3 5 जा - 12/5, ठीक है, 3 5 जा 15 - 12/5, 15 में से 12 गए, 3/5, ठीक है. सो ये हुआ आपका 3/5, सो ये हुआ आपका आई, ठीक है. तो इसी तरह से आपको सम्स करने हैं, मैंने आपको होमवर्क में तो बहुत इजी सम्स दिए हैं इसी क्वेश्चन 2 के, ए बी सी ई, ठीक है, खाली 4 सम्स दिए हैं, ए बी सी ई, मैंने सारे इजी सम्स ही दिए हैं, ठीक है. सो ये होमवर्क है. सो मैं अभी आप ये सारा लेक्चर अच्छे से देखिएगा, एक बारी दो बारी जितनी बारी हो सके अच्छे से देखिएगा, जैसे आपको सब समझ आए, फिर सारा लेक्चर अच्छे से देखिएगा और अच्छे से करिएगा, और ये होमवर्क में जो सम्स दिए हैं वो भी करिएगा, ठीक है. सब कुछ कंप्लीट करना है अच्छे से, और सब कुछ कंप्लीट करके प्लीज़ सेंड मी एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप, ठीक है. सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. चलें, थैंक यू.